नमस्ते, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 4 यानी कि स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 8 यानी कि पार्ट नंबर 8 चतुर चूहा और उसके वीडियो का पार्ट नंबर 1 यानी कि भाग 1। तो सेमेस्टर 2 में हमने लेसन नंबर 5, 6 और 7 यानी कि 5, 6 और 7 है वो सीख लिए। आज हम लेसन नंबर 8 वो सीखेंगे। तो इस कहानी में एक चूहा है, एक दर्जी है और एक कशीदाकार यानी कि सुई धागों से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। तो इसकी हम आज बात करेंगे। तो ये एक स्टोरी है, इसमें एक चूहा है, उसको टोपी सिलानी होती है, फिर इसके ऊपर कशीदा बनाना होता है, ये सब इस पाठ में हमें दिया गया। चलो आज हम ये पाठ हम सीखते हैं। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था, उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी, दर्जी के पास जाकर उसने कहा। तो एक चूहा होता है, वो रास्ते के ऊपर जा रहा है और उसे रास्ते में एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है और उस कपड़े के टुकड़े को लेकर वो आगे जाता है। तो रास्ते में उसे एक दर्जी की दुकान मिलती है। तो फिर क्या होता है, देखो, फिर दर्जी के पास जाता है चूहा और बोलता है, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। फिर दर्जी उसे क्या बोलता है, अह यह कौन बोल रहा है। फिर चूहा बोलता है, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी बोलता है, चल रास्ता ना, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। उसमें देखो एक नया शब्द आया, नाप। नाप यानी कि माप। तो वो दर्जी क्या बोलता है, चल चल अपना रास्ता पकड़ और यहाँ से निकल, उसका मीनिंग ये होता है। फिर चूहा बोलता है, अरे तू मुझे डरा रहा है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। तो इसमें क्या है, कचहरी यानी कि अदालत, सिपाही यानी कि सैनिक। तो दर्जी के अलावा चूहा क्या बोलता है दर्जी को, कि अगर तू मुझे टोपी नहीं सी देगा तो मैं कचहरी में जाऊंगा, सैनिक को बुलाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा यानी कि मार खिलाऊंगा और तमाशा देखूंगा और ये सब जो होगा वो मैं खुशी खुशी देखूंगा। फिर यह सुनकर दर्जी डर गया और उसने झटपट टोपी सी दी। झटपट यानी जल्दी जल्दी और शीघ्र। फिर है, यह टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ता है, रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। कशीदाकार सुई धागों से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला यानी कि जो भरत काम करते हैं जो लोग, उसे क्या बोलते हैं, कशीदाकार। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। कढ़ाने, कढ़ाने यानी कि उस पर कशीदा कार का जो उसका काम होता है कशीदा, वो उसके टोपी के ऊपर उसको करवाने की इच्छा हुई। फिर चूहा बोला, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है।
तो कशिदाकार के पास वो चूहा गया। फिर कशिदाकार को क्या बोलता है वो कि भाई इस टॉपिक पर मुझे कशिदा काट दे। तो कशिदाकार है वो चूहे को क्या बोलता है कि चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, फुर्सत यानी कि अवकाश, गुजराती में हम उसको क्या बोलते हैं नवरास और इंग्लिश में फ्री टाइम। तो कशिदाकार के पास ऐसा समय नहीं है। तो चूहा फिर बोलता है अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। तो जिस तरह दर्जी ने धमकाया था दर्जी को चूहे ने, उसी ही तरह वो कशिदाकार को धमका रहा है कि अगर तू मुझे कशिदा काट नहीं देगा टॉपिक के ऊपर, यानी कि भरत काम है टॉपिक के ऊपर वो तू मुझे नहीं कर देगा, तो मैं भी कचहरी में अदालत जाऊंगा, फिर सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। सेम सेंटेंस जो दर्जी को बोला था चूहे ने, उसी तरह सेम उसने कशिदाकार को बोला कि दर्जी डर गया तो कशिदाकार भी डर जाएगा। तो यह सुनकर कशिदाकार घबराया, उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशिदा काट दिया, चूहा तो खुश हो गया। तो जिस तरह दर्जी घबरा गया था चूहे की बात सुनकर, उसी तरह ये कशिदाकार भी घबरा उठता है और चूहे को टोपी के ऊपर कशिदा काट देता है। बट असल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ चूहे की चतुराई की बात बताई गई है कि चूहा कैसे अपनी बातों में सामने वाले को लेकर अपना काम निकलवा लेता है, इसीलिए इस पाठ का नेम क्या है, चतुर चूहा। तो इस पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रश्नों के उत्तर और आगे जो सीखने का है वो हम सीखेंगे। थैंक यू।